हेलो फ्रेंड टुडेज लेक्चर वी वी विल डीलिंग विथ हैड्रोस्टेटिक फोर्सेज ऑन सरफेस, सो अंटिल नाउ वी हैव फिनिश्ड अवर थ्री केसेस दैट इज वर्टिकल प्लेन सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, इंक्लाइन प्लेन सरफेस, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस ऑन कर्ड सरफेस, ओके मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करके देता हूँ हम हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेज देख रहे थे इसमें से हमें चार केस थी वर्टिकल प्लेन सरफेस, ऑरिजेंटल इंक्लाइन कर इसमें से हमने वर्टिकल ऑरिजेंटल और इंक्लाइन ये तीनों देखे विथ न्यूमरिकल उसको डिराइव करके नाउ द लास्ट वन इज हाइड्रोसेटिक फोर्सेस ऑन सरफेस सबमर्ज इन लिक्विड, ओके सो सो दिस वी विल कंसिडर दिस ए बी कर सरफेस, ओके नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट हाइड्रोसे हाइड्रोसेटिक फोर्स ऑन दिस ए बी दैट इज वी वॉन्ट टू फाइंड आउट टोटल प्रेशर एंड सेंटर प्रेशर टोटल प्रेशर मीन्स अमाउंट ऑफ फोर्स एग्जर्टेड बाई लिक्विड ऑन दैट सर्फेस इज नथिंग बट टोटल प्रेशर एंड द पॉइंट एट विच द होल टोटल प्रेशर सपोज टू बी एक्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ प्रेशर तो हमें निकालना है अभी टोटल प्रेशर मतलब इस ए बी कर सर्फेस ए बी के ऊपर कितना प्रेशर फोर्स एक्ट हो रहा है वो हमें निकलना है तो उसके लिए हमने क्या क्या करेंगे यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे मैं उसको ड्रॉ करता हूँ बड़ा निकल के ताकि आपको समझ में आएगा ये हमारा ए बी ए ए और बी जैसे डायग्राम में दिखाई इधर इधर क्या हम कंसीडर करेंगे एक छोटा सा एलिमेंट जिसका एरिया डी है और जिसने हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बनाया ओके और जो लिक्विड का जो आ, प्रेशर फोर्स एक्ट होगा टोटल प्रेशर एक्ट होगा वो ऐसा होगा डी एफ इसको परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर ओके हमारा कर सरफेस एक छोटा एलिमेंट हमने कंसिडर किया जिसका एरिया डी है और जिसका इंक्लिनेशन थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन निकालूं तो ये थीटा हो जाएगा क्योंकि ये थीटा तो ये नाइन्टी माइनस अब ये पूरा नाइनटी वाइनस थीटा है लेकिन ये नाइन्टी है तो ये भी थीटा हो जाएगा ओके तो इस डी एफ का टोटल प्रेशर का वर्टिकल के साथ में इनकलेशन कितना हुआ थीटा आई होप आपको समझ में आया होगा फिर से रिपीट करता हूँ एक कर ए बी जिसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया जिसने हॉरिजेंटल के साथ में एंगल बनाया थीटा डी एफ ऐसे एक्ट हो रहा है और डी एफ का जो वर्टिकल के साथ में एंगल आएगा थीटा बराबर ये, ये थीटा तो ये नाइन्टी माइनस थीटा आएगा ओके अब ये परपेंडिकुलर है तो अगर ये नाइन्टी माइनस है तो ये थीटा आएगा ओके आपको समझ में आया हो तो इन शॉर्ट हमें डी एफ मिल गया ओके नाउ वी वांट टू फाइंड आउट डी एफ तो हम डी एफ कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया तो फोर्स क्या आएगा प्रेशर इनटू एरिया ओके अब हम छोटा फोर्स कंसीडर कर रहे हैं तो डी एफ इक्वल्स टू पी इन डी ए स्मॉल एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स आएगा वो प्रेशर इंटेंसिटी इनटू एरिया ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट तो कितना है ये रो जी एच डी ए रो जी एच ये प्रेशर आ गया और डी ए ये एरिया अब इंटरेस्टिंग बात ऐसी इसमें कि हमें यफ चाहिए तो हम अभी से इंटीग्रेट नहीं कर सकते इस डीएफ को हम इंटीग्रेट करके एफ नहीं निकाल सकते क्योंकि इंटीग्रेशन एक ही डायरेक्शन में होता है अभी हमने देखा वर्टिकल इंक्लाइन हॉरिजेंटल तो डीएफ एक ही डायरेक्शन में आ, आ, आ रहा था लेकिन यहाँ पर अब देखो मैं फिर से वो डायग्राम ड्रॉ करता हूँ बड़ी स्केल में ये हमारा ए बी और ये छोटा एलिमेंट हमने कंसिडर किया अगर ये एलिमेंट इधर ऊपर तक चला जाए तो ये एलिमेंट ऐसा रहेगा बराबर मतलब अब ये जो इंक्लाइंड एलिमेंट है बी पोजिशन जाने के बाद वो वर्टिकल हो जाएगा ओके अगर वही एलिमेंट इधर गया तो वो हॉरिजेंटल हो जाएगा मतलब वो कंप्लीटली वाई से लेके कर एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है मतलब कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो मूव नहीं हो रहा है कि इधर एक्स में ही हो रहा है या वाई में हो रहा है अगर वो किसी एक ही डायरेक्शन में रहता या तो एक्स में रहता है या वाई में रहता तो हम उसका इंटीग्रेशन ले सकते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई लेकिन अब ये यहां से लेकर यहाँ तक एक्स से वाई चेंज हो रहा तो इसका हम इंटीग्रेशन नहीं ले सकते बराबर तो उस उसमें हम क्या कर सकते इस अब ये डी एफ है तो इसके दो अब देखो थोड़ा इधर निकल लो ये डीएफ है तो ये डी अभी इंक्लाइंट है थीटा तो इसके हम दो कंपोनेंट ले सकते हैं एक वर्टिकल कंपोनेंट डी का और एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट ओके जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वाई डायरेक्शन में है, जो हॉरिजेंटल में है एक से तो डी के अगर हमने वर्टिकल और हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकाल लिए और उसका इंटीग्रेशन लिया तो हमें मिल आ, पूरा डी एफ मिल सकता है एफ मिल सकता है क्लियर अब इसका इंक्लिनेशन वर्टिकल के साथ में तो वर्टिकल का कंपोनेंट क्या आएगा डी एफ थीटा, ओके okay? और ये डी का हरिजेंटल कंपोनेंट क्या आएगा डी एफ साइन थीटा समझ में आ गया इजी था हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि ये दो डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो इसके लिए हमने क्या किया हमने डी को रिजॉल्व कर दिया हरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में तो वर्टिकल के साथ में एंगल था तो वर्टिकल क्या है डी एफ थीटा और हरिजेंटल है डी एफ थीटा अब हम टोटल प्रेशर एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे टोटल प्रेशर वाई डायरेक्शन में निकालेंगे दोनों की समेश, समेशन लेंगे तो हमें टोटल <coughs> प्रेशर मिल जाएगा तो एक्स डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में कितना है डी एफ डी एफ साइन थीटा तो डीएफ की वैल्यू हमने पुट कर दी और थीटा अभी इस, इसका इंटीग्रेशन ले लिया मिलेगा रोजी बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एच ए डी ए थीटा मतलब एक्स डायरेक्शन में इतना प्रेशर फोर्स एक्ट हो रहा है ओके सिमिलरली वाई डायरेक्शन में रोजी एच डी ए ये हो गया डी एफ और थीटा मतलब उसका वर्टिकल कंपोनेंट तो वाई डायरेक्शन में प्रेशर <coughs> फोर्स हो गया रोजी इंटीग्रेशन ऑफ एच डी ए कॉस्थीटा ओके अब सबसे इम्पोर्ट दूसरे की इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारा एरिया लिया था हमने वो कर सर्फिस को सरफेस पे जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया था जिसका एरिया डी ए अब इसके लाइन डाइग्राम निकलता हूँ वो अपना सपोज दिस इज आवर डी बड़ा निकलता थोड़ा सॉरी दिस इज आवर डी स्मॉल दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट अब देखो इसका इसका एंगल थीटा है थोड़ा ठीक निकल दो एक मिनट ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसको मैंने लाइन डायग्राम में निकाला ये हो गया डी ए ओके okay. अब ये डी का हॉरिजेंटल के साथ में एंगल थीटा है ओके okay. तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये ये इतना जो पोर्शन है इतना दिस इज वर्टिकल सॉरी हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ दिस डी मतलब इस इंक्लाइंड एरिया का हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ये तो ये कितना आएगा डी ए कॉस थीटा ओके okay. सिमिलरली ये जो वर्टिकल है ये क्या है सॉरी <coughs> ये जो वर्टिकल है इस इंक्लाइंड एरिया का वर्टिकल कंपोनेंट तो इसे हम ले सकते हैं है, 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 इसका मतलब एक ही है जो एक डायरेक्शन में टोटल प्रेशर एक्ट हो रहा है वो इस सरफेस पे एक्ट होगा थोड़ा दूसरा निकल रहा हूं जो उस टोटल प्रेशर का हरिजेंटल कंपोनेंट है वो वर्टिकल सरफेस पे एक्ट होगा क्योंकि प्रेशर हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है तो वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर क्या एक्ट एक्ट होगा हो टोटल प्रेशर का हरीजेंटल कंपोनेंट और हरीजेंटल एरिया का एरिया के कंपोनेंट पे क्या एक्ट होगा टोटल प्रेशर का वर्टिकल कंपोनेंट समझ में आ रहा है ये डीएफ मैंने क्या लिखा ये जो एरो है ना ये डी एफ एक्स है मतलब वर्टिकल एरिया के ऊपर हॉरिजेंटल प्रेशर फोर्स एक्ट होगा और हॉरिजेंटल एरिया के ऊपर वर्टिकल प्रेशर एक्ट होगा ये जो हमने ऊपर ये जो निकाले ये डी एफ एक्स और ये डी एफ वाई मतलब ये वाले तो डी एफ एक्स कहाँ पे एक्ट होगा एक्स एक्ट होगा वर्टिकल कंपोनेंट पे और वाई एक्ट होगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट के ऊपर समझ में आ गया अब अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते ओके okay? तो रो रो जी एच डी ए थीटा फोर्स एक्टिंग वर्टिकल प्लेन में जैसे आपको बताया और इसकी वैल्यू आपको उतनी मिलेगी रो जी एच बार अगर आपने इसको इंटीग्रेट किया तो ओके okay? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यफ वाई वो क्या आएगा जो टोटल प्रेशर का वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन अब देखो रो जी एच ये जो डी ए कॉस्थीटा है ये डी ए थीटा एरिया का हर्जेंटल कंपोनेंट है मतलब ये एरिया है अब एरिया इंटू हाइट क्या कह सकते हैं हम वॉल्यूम तो इसको हम क्या कह सकते हैं रो जी वॉल्यूम ओके okay? रो जी वॉल्यूम इज नथिंग बट वेट ओके okay? क्योंकि वेट डेंसिटी इक्वल्स टू या वेट को हम ऐसे लिख सकते है? वेट इक्वल्स टू एम जी मास को हम लिख सकते है? रो वी जी रो जी वी या रो वी जी एक ही देखो तो रो जी वी को हम क्या क्या लिख का बोल सकते हैं वेट मतलब ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा प्रेशर टोटल प्रेशर का वेट ऑफ लिक्विड सपोर्टेड बाय कर्व सरफेस अप टू तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड मतलब मतलब इस कर्व सरफेस ने लिक्विड सरफेस तक जितना भी वाटर या लिक्विड ऑक्युपाई किया है उसका वेट इज नथिंग बट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टोटल प्रेशर समझ में आ गया फिर से रिपीट करता हूँ मैं वो ये जो कर्ड सरफेस है इसने और ये अपना लिक्विड का सरफेस है इस कर्ड सरफेस ने लिक्विड तक लिक्विड सरफेस तक जितना भी लिक्विड कंटेन किया है उसका जो वेट रहेगा वो वेट इज नथिंग बट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टोटल क्रेशर समझ में आ गया और हरिजेंटल कंपोनेंट जो यहाँ पे एक्ट हो रहा है वो एज इट इज उसको आप बाद में ये कर सकते रोजी ए बार क्लियर तो सिंपल सी बात है इस कर uh, सरफेस में हमें जो टोटल प्रेशर मिल रहा है वो दो कंपोनेंट में मिल रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट तो रो जी रोजी बार और जो वर्टिकल कंपोनेंट मिल रहा है वो क्या है कि टोटल वेट ऑफ और टोटल वेट ऑफ लिक्विड विच इज कंटेन अप टू फ्री सरफेस बाय दिस कर्व सरफेस ये कर सरफेस ने फ्री सरफेस तक जितना भी लिक्विड कंटेन किया है उसका वेट इज नथिंग बट वर्टिकल कंपोनेंट समझ में आ गया तो बहुत सिंपल था है, आ, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं था तो आपको समझ के लेना है यहाँ पर हमने क्या किया मैं थोड़ा सा ब्रिक में आपको फिर से बताता हूँ हमने क्या किया ये जो कर सरफेस ए भी है इसका हमें टोटल प्रेशर निकालना है तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसका एरिया डी ए था उसके ऊपर अब ये डी एफ एक्ट हो रहा लेकिन ये डी एफ यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब वाई से लेके एक तक मुँह हो रहा है हारिजेंटल वर्टिकल से लेके हॉरिजेंटल तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे इस डी एफ के दो कंपोनेंट करेंगे एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल फिर वर्टिकल को अगर हमने इंटीग्रेट किया तो हमें मिलेगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टोटल प्रेशर और हरिजेंटल को इंटीग्रेट किया तो मिलेगा हरिजेंटल प्रेशर ऑफ हरीजेंटल कंपोनेंट ऑफ टोटल प्रेशर तो वो हमें मिला कुछ इस तरह कि जो वर्टिकल कंपोनेंट था प्रेशर का वो एक्ट हो रहा है हरीजेंटल कंपोनेंट ऑफ एरिया पे और जो हरीजेंटल कंपोनेंट था वो एक्ट है वर्टिकल एरिया पे ओके okay? और हमें वो फार्मूला है मिला ठीक है ठीक है अब उसको हम थोड़ा न्यूमेरिकल्स में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा तो पहला न्यूमरिकल ले कंप्यूट द हरीजेंटल एंड वर्टिकल कॉम्पोनंट ऑफ द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ कर सरपेस ए बी विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्वारंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस टू मीटर एज शोन इन फिगर टेक विर्थ ऑफ द गेट इज यूनिटी मतलब क्या दिया है हाईजेंटल और वर्टिकल कंपोनन्ट हमें निकालने हैं टोटल प्रेशर के कर सर्फेस ए बी के ऊपर जो एक्ट हो रहा है वो ओके विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉर्डरंट ऑफ सर्कल मतलब ये जो ए बी है ये सर्कल का क्वाड्रेंट है क्वाड्रेंट बोले तो फोर्थ पार्ट मतलब ये हो गया क्वाड्रेंट तो ये सर्कल का फोर्थ पार्ट है ओके okay? ये जो ए बी है दिस इज द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस टू मीटर मतलब ये जो ओ बी है वो कितना होगा टू मीटर ओ बी ये कितना होगा टू मीटर रेडियस ऑफ सर्कल टेक विद ऑफ गेट इज यूनिटी इसका मतलब क्या है ये जो दिख रहा है हमें ए ओ बी ये पीछे की डायरेक्शन में इनकी विथ कितनी है वन मीटर ओके ए अगर आप पीछे लेके जाओगे तो वन मीटर बैठते ओ को पीछे जाओ मीटर बैठते बी को पीछे लेके जाओगे वन मीटर बैठते आपको ऐसा मिलेगा ओके okay? तो अब हमें निकालना है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बहुत ईजी था टोटल प्रेशर फोर्स ऑन प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कर सरफेस जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस कर्व सरफेस के वर्टिकल कम कंपो एरिया पर एक्ट होंगे ये जो ओ बी लाइन दिख रही है ये क्या है ए बी का वर्टिकल कंपोनेंट मतलब ये जो डी एफ एक्ट होगा एफ एक्स एक्ट होगा वो ओ बी के ऊपर एक्ट होगा अब देखो ये हमारा ओ और बी और उसकी विड्थ कितनी थी वन मतलब पीछे वन है तो इसको मैं ऐसे पीछे एक्सटेंड करता हूँ ओके ये वैल्यू है दो और ये वैल्यू एक ये क्यों निकालना है हमें क्योंकि एरिया निकालना है हमें समझ में आ गया ये हमारा कौर ऐसा है तो ये जो ओ और बी है ये क्या है इस ए बी का वर्टिकल कॉम्पोनेंट है जिसके ऊपर वो हॉरिजेंटल टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट होगा हॉरिजेंटल ऑरिजेंटल इधर से इधर से दिखाओ तो डी एफ एक्स एक्ट होगा समझ में आ गया तो इसका एरिया कितना आएगा टू इंटू वन ओके तो उसका फार्मूला है रो जी एच बार रो थाउजेंड जी नाइन पॉइंट एट एरिया टू इंटू वन कैसे है समझ में आया ये ओ बी है टू और पीछे वन तो इतने एरिया पर वो एक्ट हो रहा है तो टू बाय वन उसका एरिया और उसकी जो एच बार है अब ये एच बार निकलना है मतलब ओ बी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो उसका मिड पॉइंट रहेगा तो ओ बी देखो ओ बी उसका सेंटर पॉइंट जी समझो जी पकड़ लिया तो ये कितना आएगा वन क्योंकि ओ बी टोटल टू है ओके okay? वन और ये जो कर्ट सरफेस मतलब है वाटर के नीचे वन पॉइंट फाइव मीटर नीचे मतलब सी और ओ की वैल्यू है वन पॉइंट फाइव समझ में आ गया सी से लेकर ओ है वन पॉइंट फाइव और इसका मिड पॉइंट आएगा वन पे तो कितना आएगा वन पॉइंट फाइव प्लस वन टू पॉइंट फाइव तो उसका टोटल फोर्स कितना है फोर नाइन जीरो फाइव न्यूटन ओके वर्टिकल सॉरी वर्जेंटल कंपोनेंट ऑफ टोटल प्रेशर अब इसका हमें जो ये जो डी एफ या ये जो एफ एक्स एक्ट हो रहा है वो कहाँ पर एक्ट होगा उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एच स्टार तो उसका फॉर्मूला है एच स्टार इक्व टू आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच ये दूसरी इन शॉर्ट में ये क्या है मालूम है क्या इन शॉर्ट में ये वर्टिकल प्लेन सरफेस हमारे पहली केस बराबर है ना मतलब इस कर सरफेस को हम दो केसेस में डिवाइड कर सकते हैं उसका वर्टी हरिजेंटल पार्ट निकालना है तो वर्टिकल केस में हमने जो दिखा था वो आएगा और हरिजेंटल कंपोनेंट कम, निकालना है वर्टिकल कंपोनेंट तो उसके ऊपर का वेट सिंपली ओके तो अब ये ओ बी के लिए हमने फार्मूला स्टार के लिए फार्मूला का आई जी अपॉन एच बार प्लस एच बार आई जी बी डी क्यूब बाय ट्वेल्व ओके तो बी मतलब आ, जो लाइन पैरल है ये वन है और ये टू है तो बी वन टू रेस टू टू रेस टू थ्री अपॉन ट्वेल्व बीडी क्यूब बाय ट्वेल्व वो आया जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स मीटर रेस टू फोर आई जी आया आई जी की वैल्यू पुट कर दी एरिया की वैल्यू पुट कर दी एच बार की वैल्यू पुट कर दी हमें मिला 2.63 मतलब ये जो भी fx एक्ट होगा वो कहाँ पर एक्ट होगा 2.63 मीटर बिलो यहाँ से ओके okay? अब नेक्स्ट है वर्टिकल कंपोनेंट तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है वर्टिकल कंपोनेंट इज नथिंग बट वेट ऑफ वाटर सपोर्टेड बाय ए बी अप टू फ्री सरफेस वेट ऑफ वाट सरफेस वेट ऑफ वाटर सपोर्टेड बाय ए बी अप टू फ्री सरफेस मतलब इसका हमें वेट निकालना है मतलब फिर से निकलता हूँ ये जो डी सी बी ए इतने जो पार्ट है उसके अंदर जो लिक्विड वाटर है उसका हमें वेट निकालना है तो वेट के लिए सिंपली फॉर्मूला क्या है वेट इक्वल्स टू रो जी वॉल्यूम तो हमें इस फिगर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा तो इस फिगर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते पहला पार्ट ए ओ सी डी और दूसरा पार्ट ए बी ओ ओके तो यहां पर देखो वॉल्यूम ऑफ सी डी ए और वॉल्यूम ऑफ एओ भी तो सी डी ए मतलब सी डी ए का वॉल्यूम कितना आएगा ये दो है ये वन पॉइंट फाइव है ओके मतलब ये ऐसा बनेगा इ, दिस इज टू दिस इज वन पॉइंट फाइव और उसकी यूनिटी वन है यूनिट और उसकी थिकनेस वन है यूनिट ये तो इसका वॉल्यूम क्या टू इंटू वन पॉइंट फाइव इंटू वन ओके ये ऊपर का पार्ट का वॉल्यूम कितना है टू इंटू वन पॉइंट फाइव इंटू वन यहाँ पर लिखा है वन पॉइंट फाइव सॉरी ये टू है इंटू टू इंटू वन अब <coughs> इसका वॉल्यूम निकालना है इसका एरिया इंटू थिकनेस तो इसका एरिया कितना आएगा ये सर्कल का चौथा पार्ट है तो वन फोर्थ सर्कल का एरिया पायर आर स्क्वेयर उसकी थिकनेस जो यूनिट यूनिटी दी है वन समझ में आ गया ये जो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है मतलब सर्कल का चौथा हिस्सा है तो सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय फोर चौथा हिस्सा होने भी ऐसे इंटू वन तो ये कितना आएगा वन पाए फोर पाए आर दिया दो दो का स्क्वायर इन वन देखो यहाँ पर ओके okay. इसका कैलकुलेशन करोगे तो हमें मिलेगा एफ वाई सिक्स टू फोर नाइन वन पॉइंट वन क्लियर ओके सो दिस इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टोटल प्रेशर एक बात समझ लीजिए हम क्या कर रहे हैं ये जो ये जो इंक्लाइन इसके ऊपर का जो इंक्लाइन फोर्स है ना उसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो कंपोनेंट डिवाइड कर रही है तो हमारा सिंपली वर्टिकल केस है वर्टिकल प्लेन तो इसको हम हमारे तरीके सॉल्व करेंगे और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है इसका वेट जो भी है उसके अंदर उसका वेट अगर क्लियर ओके थैंक यू बाकी बाद में देखेंगे